अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक बैकलिंकिंग ऑडिट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एचरेफ्स की ज़रूरत होगी, गूगल वेब मास्टर टूल और एक्सेल और यूनिवर्सल एसईओ टूल और टेक्स्ट कैन। तो सबसे पहले आप एचरेफ्स खोलें, उसमें ये वेबसाइट डालें और सर्च कर दें, इधर से भी खोल लें। तो इसके बाद आपने एचरेफ्स में जाना है रेफरिंग डोमेन्स, और इधर से आपने जाना है लिंक्स टू योर साइट, ये आपने डाउनलोड कर लेने हैं। ये भी डाउनलोड कर लो। कट कर लें और इसके नीचे डाल दें। अब आप यहां से कॉपी करें, इस वेबसाइट पे जाएं, टेक्स्ट मैकेनिक और रिमूव डुप्लीकेट्स। ये सारा रिमूव करें और पेस्ट कर दें। अब इसको कॉपी करें और एक नोटपैड बना लें वेबसाइट्स के नाम से, उसके अंदर ये सारा कुछ पेस्ट कर दें। उसके बाद आपने यूनिवर्सल एसईओ टूल को चलाना है, यहाँ से डोमेन सॉर्टर, ऐड डोमेन्स और इधर से वो txt सेलेक्ट करना है, स्टार्ट कर दें। हो गया। अच्छा, आपने ये दो नोट पैड एक्स्ट्रा बना लेने हैं, ऑल और चेक्ड। ऑल के अंदर आपने ये सारे डाल देने हैं, सॉरी इन डोमेन्स को आप गौर से देख लें, अगर इनमें से आपको कोई इंटरेस्ट ही लगती है तो उसे ख़त्म कर दें। बाकी पकड़ें और इधर ये चलाएं। इसमें चेक कर लें,
रिजल्ट में जाएं आप, ये जो जो आपको सही लगती हैं इनमें से उनको रहने दें, जो इंग्लिश वाली हैं सिर्फ वही, बाकी वेबसाइट्स जो हैं जैसे ये भी एक सही लगा रही, और बाकियों को आप कॉपी करें और को एक txt फाइल बनाएं disavow.txt, जैसे ये है मैं इसके अंदर डाल दें, अब इन सबको इसके अंदर चेक कर लें और इसका बैच एनालिसिस ओपन कर लें, उसके अंदर इन सबको पेस्ट कर दें और स्टार्ट कर दें। इनको ट्रैफिक से सॉर्ट कर लें, और इसको एक्सपोर्ट कर लें। इधर 50 से ऊपर जो है ना सबको ले लें और उनको ये डिसअवाउ में पेस्ट कर दें। बाकी जो हैं उनको आपने इस टूल में डालना है, इससे आपने चेक करना है कि कोई रशियन वेबसाइट बाकी ना रह गई हो उनके टाइटल वगैरह देख के, जैसे ये जो भी आपको नॉन इंग्लिश लगे उसको आपने इधर डाल देना है इसके अंदर। हाँ, और ये ध्यान रखना है कि कोई एडल्ट वेबसाइट हो तो उसको जरा गौर से देखना है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है वेबसाइट के लिए,
और गैम्बलिंग, ये दो खास तौर पे गूगल इन दोनों से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, इसलिए ये नेगेटिव एसईओ में इस्तेमाल होती हैं ज़्यादातर। ये अब आपकी तैयार हो गई है दिस अबाउट फाइल, इसको एक दफा दोबारा देख लें हो सके तो, इसके अंदर दोबारा चेक कर लें। ताकि कोई अच्छी डोमेन जो है वो बिना फिल्टर हो जाए। बस ठीक है, फिल्टर हो गई है। अब आपने कंट्रोल एस को दबाना है, इधर से रेगुलर एक्सप्रेशन, इधर से ये सिंबल डालना है, उसके बाद डोमेन ये डाल के रिप्लेस ऑल कर देना, उसके बाद जाना है यहाँ पे, यहाँ से डोमेन सेलेक्ट करें दिस वाओ लिंक्स, और ये
डिसअलाउ कर, हो गया। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और हमारे ग्रुप ज्वाइन कर लें एसईओ मास्टर्स एकेडमी, या फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं ब्लॉगर्स फंडा। अल्लाह हाफिज़।